हेलो गाइज, आपको बताऊंगा इस वीडियो में गाइज आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आय प्रमाण पत्र। गाइज अगर आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं हो मोबाइल नंबर, यानी आपका आधार कार्ड से गाइज आपका लिंक नहीं है, तो भी गाइज अगर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे आय प्रमाण पत्र, ठीक है, और डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। तो गाइज सबसे पहले चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले गाइज अगर चैनल पर नहीं हुआ चैनल सब्सक्राइब कर दें गाइज, और बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें, क्योंकि मैं हमेशा संजय ऑफिशियल पे इस तरह वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। तो वो सबसे पहले गूगल सर्च में आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे सर्विस ऑनलाइन बिहार .gov.in, यहाँ पर जो है इसका भी लिंक डाल दूँगा। डायरेक्टली इसको ओपन करेंगे, तो चले गए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं लोक सेवा का अधिकार है अन्य सेवा जो का देखा RTPS का अदर सर्विस गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, मैं इसका भी लिंक डाल दूँगा, डायरेक्ट आप वहाँ से आ सकते हैं। तो पहले गाइस चलिए मैं इसको इंग्लिश करता हूँ। तो ये पहले आपको अप्लाई करने से पहले गाइस क्या करेंगे, पहले इसमें आपको ID बनाना पड़ेगा, ठीक है, यानी आप खुद का इसमें ID बना सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है ID बनाने के लिए। चलिए मैं गाइस मैं इसमें पहले इसके बारे में इंग्लिश कर रहा हूँ, मैं इसको इंग्लिश कर रहा हूँ। और इंग्लिश करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखें रजिस्टर योर सेल्फ, पहले इसमें ID बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर ID आपको याद नहीं है, ठीक है, अगर पहले से ID बना चुके हैं तो 4 के पास भी कर सकते हैं, यहाँ पर टैग स्टार्टर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले आपको बता रहा हूँ आपको ID बनाएंगे, उसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। जो भी आप ID बना करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको रजिस्टर योर सेल्फ, तो आपको यहाँ पर टाइप करेंगे रजिस्टर योर सेल्फ पे। जैसे इसमें टाइप करेंगे रजिस्टर योर सेल्फ पे तो एक आइकन खुलेगा रजिस्टर योर सेल्फ, आपको फुल नेम और ईमेल ID और जो को मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, पासवर्ड फिलअप करेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद स्मॉल, इसके बाद अपना स्टेट फिलअप करेंगे, जो कैप्चर से बोला कैप्चर फिलअप करेंगे और सेंड OTP करेंगे, ठीक है। ये क्या होगा आपके मोबाइल पर और ईमेल पर दोनों पर OTP भी जाएगा, और सबमिट करने के बाद आपको क्या होगा आपका ID पासवर्ड बन जाएगा सक्सेसफुली। चलिए मैं यहाँ पर आपको मेरा पास ID बना हुआ है, तो इसे क्या करेंगे बैक करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा लॉगिन पर जाएंगे, तो यहाँ पर जाएंगे प्रोसीड टू लॉगिन का पेज खुलेगा, यहाँ पर अपना ईमेल ID डालेंगे जो आपके जिससे आप ID बनाए हुए हैं, जो यहाँ पासवर्ड फिलअप करके कैप्चर फिलअप करके लॉगिन करेंगे। और ये अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड पर आपको जाके फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। चलिए मैं अपना पूरा मेरा याद है अपना ID और पासवर्ड फिलअप करके मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो आपको भी क्या करेंगे सिंपल सा प्रोसेस है, आप क्या करेंगे इसको फिलअप करके और लॉगिन करेंगे। तो जैसे कि मैं पासवर्ड फिलअप कर लिया हूँ, और पासवर्ड फिलअप करने के बाद यहाँ पर जाएंगे कैप्चा पर, कैप्चा को फिलअप करेंगे, कैप्चा जो सो उसके बाद लॉगिन पर टैप करेंगे। तो गाइस लॉगिन पर जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा वेलकम टू सर्विस, तो यहाँ पर जाएंगे मैनेज प्रोफाइल पे अप्लाई फॉर सर्विस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मिलेगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस। जैसे इस पर टैप करेंगे यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं बिहार का पूरा इसमें सर्विस मिलेगा, नहीं तो गाइस क्या करेंगे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यानी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर थर्ड में भी नहीं है गया आपको आय प्रमाण पत्र के लिए। फोर्थ पर टाइप करता हूँ तो यहाँ पर देखें मिल गया CEO लेवल और DM लेवल, तो कहीं आपको जिसको आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ये सबसे कहीं आपको आसान है सिंपल सा होता है, जब जो भी बनता है ब्लॉग के थ्रू आपको वो बनता है CEO लेवल, तो कहीं CEO लेवल बनाएंगे तो इस पर टाइप करेंगे CEO लेवल पर, ये ओपन होगा CEO लेवल वाला यानी फॉर्म 15 आपको ओपन होगा। यहाँ पर देखें आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन, यहाँ पर पहले पूरा आपको फिलअप करना पड़ेगा आवेदन का विवरण, ठीक है, जिसका नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं। क्या करेंगे यहाँ पर जेंडर प्लस सेलेक्ट करेंगे यानी स्त्री पुरुष आप किसका अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ जेंडर, यहाँ पर जैसे टाइप करेंगे यहाँ पर आएगा अभिभावक, श्री टाइप करेंगे, यहाँ पर देंगे नेम ऑफ अप्लीकेशन, ठीक है, जिसके नाम से बना रहा है वो उसका नाम डालेंगे और स्पेस करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर देख रहे हैं आवेदक का नाम हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर नेम ऑफ अप्लीकेंट में आप जैसे नाम फिलअप करेंगे जिसके नाम से आप बना रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर आवेदिका का नाम हिंदी जो है अब इसमें आपको ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगी यानी स्पेस दबाते हैं। चलिए मैं आपको पता पूरा फिलअप को बता रहा हूँ। तो कोई आपको इस तरह पूरा फिलअप करना एक सिंपल सा प्रोसेस है, नहीं तो कुछ रॉन्ग करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी आपको इसमें फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं कस्टमर का नाम फिलअप कर रहा हूँ, जैसे आप स्पेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस किया हो तो मेरा आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा आपको हिंदी में नाम आ जा रहा है। तो हिंदी में नाम नहीं आ रहा था क्या करें, गूगल एंड्रॉइड मदद से आप यहाँ से सही कर सकते हैं।
जब मैं अपना नाम और फादर का नाम डालूंगा, जो गाइस फादर का नाम है, फादर का नाम फिलअप करेंगे, अब क्या होगा ऑटोमेटिक है यहाँ पे हिंदी आपको नाम आ जाएगा, ठीक है गाइस। और गाइस आपको यहाँ पे आता है नेम ऑफ मदर, तो मदर का नाम फिलअप करेंगे और यहाँ पे क्या होगा ऑटोमेटिक है यहाँ पे अब हिंदी नेम आपको आ जाएगा। नहीं आ रहा हिंदी नेम तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको अपने से भी यहाँ पे हिंदी नेम गूगल इनपुट यहाँ पे जो हिंदी है तो ट्रांसलेशन उससे भी यहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं और सही कर सकते हैं, ठीक है। गलत होगा तो यहाँ पर नेम ऑफ हस्बैंड है तो क्या करें इसको छोड़ देंगे, ऑप्शनल है क्योंकि यहाँ पर स्टारमार्क नहीं है। यहाँ पर आता है आवेदक का मोबाइल नंबर, ठीक है ये भी ऑप्शनल है, लेकिन मोबाइल नंबर फिलअप कर देंगे क्या होगा आपको मोबाइल पे कोई भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी बनेगा। तो आवेदक का ईमेल आईडी फिलअप कर देंगे आपके यहाँ पे ईमेल आईडी पे, यहाँ पे यानी जो आपका होता है आवेदक संख्या वो आपको भेज दिया जाता है। और ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद क्या करेंगे, सही से फिलअप करें नहीं तो बनेगा तो आपको मेल पर नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा स्टेट, आप कौन सा स्टेट है स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आता है अनुमंडल, यानी आपका अनुमंडल कहाँ है, अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है आपको प्रखंड, यानी आपको ब्लॉक कहाँ पे है, जो आपका ब्लॉक है ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आता है आप किस स्तरीय बनाना चाहते हैं, यानी सबसे कहीं आपको आसान होता है यहाँ पर ग्राम पंचायत है, ठीक है जो भी मैं आपको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ बोलेगा वार्ड नंबर, जो आपका वार्ड नंबर कितना है। यहाँ पर था ग्राम पंचायत विलेज पंचायत, आपके पंचायत का नाम क्या है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। और पंचायत का नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पर था ग्राम मोहल्ला टाउन, ठीक है जो आपका टाउन गांव ग्राम मोहल्ला है वो आपको फिलअप करेंगे। और यहाँ पर आता है पिन डाकघर, जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो फिलअप करेंगे। यहाँ पर था थाना, जो आपका थाना है वो आपको फिलअप करेंगे, यानी पुलिस स्टेशन आपका कहाँ है आपको भी इस तरह पूरा फिलअप करना है। यहाँ पर आता है पिन कोड को फिलअप करेंगे। पिन कोड को फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको यानी 50 KB के अंदर यानी फ़ोटो आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड, तो आपको क्या करेंगे आधार कार्ड को यहाँ पर नहीं फिलअप करेंगे, नहीं तो फिलअप करेंगे आधार कार्ड तो आपको मोबाइल पर OTP जाएगा, इसलिए क्या करेंगे आधार कार्ड को फिलअप ही नहीं करेंगे। और ये फोटो सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आता है पैसा, यानी अब कहाँ है अब स्टूडेंट है छात्र है सरकारी है गिरी है यहाँ पे अन्य है, ठीक है मैं छात्र हूँ इसलिए मैं यहाँ पर छात्र सेलेक्ट किया हूँ, आप जो भी वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर आवेदक का उद्देश्य, आवेदन का उद्देश्य यानी अब क्या चीज़ बना रहा है, ठीक है प्रपोज ऑफ एप्लीकेशन। अब यहाँ चलिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ आई पर नंबर, आप कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं लेकिन अब गलत नहीं टाइप करेंगे, ठीक है आई पर नंबर टाइप कर देंगे तो चल जाएगा, ठीक है उससे कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पता सरकारी के आय से यानी आप कितना कम कमाते हैं सरकारी आय से, अगर आप कोई अब जॉब करते हैं ठीक है तो उसे आपको कमाते हैं जीरो करेंगे, नहीं कमाते हैं डालेंगे नहीं तो जीरो कर देंगे। व्यवसाय से कितना कमाते हैं पूरा फिलअप करेंगे, यानी आपको बिजनेस कोई है इनकम आपको उससे कितना कमाते हैं यहाँ पर फिलअप कर देंगे। और कृषि यानी आप खेती बाड़ी से कितना कमाते हैं जो आपको इनकम होता है एग्रीकल्चर उससे कितना कमाते हैं फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर अन्य स्रोत यानी आप अदर सोर्स इनकम से कितना कमाते हैं यानी एक्स्ट्रा जो भी अदर सोर्स होता है जिसका नाम आपको इसमें नहीं दिया गया, ठीक है टोटल फिलअप करेंगे। जब टोटल का यहाँ पर देख रहे हैं मेरा 80,000 हो गया, यहाँ पूरा आपको डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन, इसमें आईग्री रहने देंगे। और यहाँ पे जो कैप्चा हो रहा है कैप्चा को फिलअप करेंगे और प्रोसीड पे टैप कर देंगे, ठीक है तो चलिए मैं कैप्चा को फिलअप कर रहा हूँ, यहाँ पर जाएंगे प्रोसीड पे इसको सेव भी कर सकते हैं, चलिए मैं इसको ड्राप नहीं करूँगा तो पहले का इसको देख लेंगे गलत से ही मिला लेंगे, नहीं तो आपको बार बार गलत आप करेंगे तो आपको गलती अप्लाई हो जाएगा। और गाइस मेरा पूरा सही है तो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे प्रोसीड पे टाइप कर देंगे, जैसे इस पे टाइप करेंगे प्रोसीड पे तो यहाँ पे बोलेगा ओके यानी आप कृपया आप करना चाहते हैं यस कर चाहते हैं तो यस कर देंगे। और इसको यस करने के बाद आपको एक प्रीव्यू मिल जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं प्रीव्यू मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आपको टोटल आपको देखने को मिल जा रहा है। आपको बोला आप क्या करने के लिए एप्लीकेशन के आप क्या करें अटैच करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है तो यहाँ पर जाएंगे अटैच पर टाइप कर देंगे, इसको एडिट नहीं करेंगे, ठीक है कुछ गलत होते हैं एडिट कर सकते हैं लेकिन इसको फिर मैं अटैच करता हूँ क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करना है दस्तावेज। यहाँ पर देख रहे डॉक्यूमेंट यानी आप ठीक है आप डॉक्यूमेंट स्कैन भी कर सकते हैं और डिजीलॉकर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं पैन कार्ड आधार कार्ड वोटर आई डी कार्ड, चलो मैं करूँगा आधार कार्ड तो कहीं क्या करेंगे आधार कार्ड को दोनों साइड के यहाँ पर फ्रंट टाइप कर लेंगे JPG मिनिमम 100 KB से अंदर में,
यहाँ पे सेव करेंगे। सेव जैसे करेंगे तो क्या होगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, पूरा आपको रेफरेंस नंबर यानी बार कोड नंबर शो करेगा, पूरा आपको टोटल यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही गाइस क्या होगा, आपके यहाँ पर अप्लीकेशन सक्सेसफुली बन के तैयार हो जाएगा, यानी प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा। चलिए गाइस मैं इसको वेट करता हूँ, यानी आपको लोडिंग थोड़ा सर्वर इसे गाइस इसका थोड़ा डाउन रहता है, ठीक है, इसलिए गाइस अभी हड़बड़ाए नहीं, इसलिए अब इसमें थोड़ा स्टेप बाई स्टेप वीडियो देखें और बनाते रहें, आपको बनते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरा गाइस यहाँ पर बन के तैयार हो गया है, आपको किस डेट का बनाया है और किस डेट का मिलने वाला है, यानी गाइस आप ब्लॉग से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। गाइस ऑनलाइन डाउनलोड करने के, चले मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ। तो गाइस क्या करें, ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए पहले इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, यानी आप कहीं भी इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यानी ऑनलाइन डाउनलोड नहीं हुआ तो मैं ब्लॉग से भी ले सकता हूँ, यानी आधार कार्ड ले जाकर आपको मिल जाएगा ब्लॉग में भी इस डेट को जाएंगे तो। चलिएगा मैं इसको कहीं भी इसको मैं सेव करता हूँ, पहले इसको नाम डालकर सेव कर देंगे। और इस क्या करेंगे, यहाँ पर जो देख रहे हैं एप्लीकेशन नंबर, इसको कॉपी कर लेंगे। इसको जांचने के लिए क्या क्या करेंगे, यहाँ पर आता आपको व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इस पर टाइप करेंगे। जैसे इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको किस डेट का अप्लाई किए, कौन से डेट का अप्लाई किए हैं, जब बारकोड डालेंगे यानी आवेदन संख्या आपको बता देगा, यानी ठीक है, देखिए आपको किस डेट को फ्रॉम डेट यहाँ पर मिलेगा, एप्लीकेशन बारकोड नंबर डालेंगे, गेट डाटा पर टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा कौन सा डेट अप्लाई हुआ।